मैक्स अस्पताल देहरादून के डॉक्टरों ने 13 वर्षीय लड़के में एकदम नई प्रक्रिया से सुनने की क्षमता को नॉन सर्जिकल पुनर्स्थापित किया। मैक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल देहरादून उत्तराखंड का पहला अस्पताल है जिसने यूस्टेशियन ट्यूब बलून डिलेशन विधि का इस्तेमाल किया है। यूस्टेशियन ट्यूब डिसफंक्शन के इलाज की यह हालिया तकनीक यूरोपियन देशों में लोकप्रियता हासिल कर रही है। यह यूस्टेशियन ट्यूब मध्य कान से नॉसोफ्रेंजियल क्षेत्र तक होती है और मध्य कान में एयर प्रेशर बनाए रखने में मदद करती है। देहरादून से विक्रम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। बेसिस पे किया था कंपनी को, मैंने रिक्वेस्ट किया था कि पहली बार करेंगे तो आपको डेमो के लिए करना पड़ेगा, तो हम लोगों ने उसमें बैलून की चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगाए थे। बट इनके बाद जो सेकंड केस किया उनका तो कंपनी तो एक ही बार डेमो के लिए देंगे, अगली बार तो देंगे नहीं, तो उसमें खर्चा सिर्फ बैलून का ही देखने जाए तो 130,000 रुपये का बैलून का खर्चा है। अच्छा, 130,000। करूँगा अगर बच्चा कान में दर्द बता रहे हैं तो ज़रूर ENT स्पेशलिस्ट को डिस्कस कीजिएगा। कान में दर्द होने का बहुत सारे कारण हो सकते हैं छोटे बच्चे में, एक तो वैक्स की वजह से भी हो सकता है, या तो दूसरा कारण हो सकता है एक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोल के कंडीशन होते हैं जो बच्चों में बहुत कॉमनली होते हैं, तो दोनों का इलाज अलग अलग है, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर ऐसा होता है तो ज़रूर ENT स्पेशलिस्ट से कंसल्ट कीजिएगा।